नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी हथियारी ग्रुप थे, आतंकवाद था, उसको कभी समस्या को सुलझाने की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी। समस्या को ज्यादा गहरी बनाने के लिए दोनों ओर से तेल डालने का काम उन्होंने किया और अपना राज बना रहे इसकी व्यवस्था करी। और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट पूरा देश से एक प्रकार से कटा कटा महसूस करता। मुझे तो बड़ा आघात लग गया, नागालैंड में डीओजी थे उस वक्त के, नागालैंड के सीएम ने मुझे भोजन दिया, उनके एक मंत्री ने कहा मैं कल ही भारत से आया। मुझे बड़ा आघात लगा, आपको हंसी आती है, मुझे दुख हुआ। कल भारत से आए उनका क्या मतलब है? नागालैंड कहां है? नागालैंड भी भारत का ही हिस्सा है, हर नागा का पूरे भारत पर अधिकार। ये भावना अगर हम विस्मृति हुई तो उसका मूल कारण कांग्रेस की झगड़ा कराओ, झगड़ा डालो, फूट डालो और राज करो की नीति। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि सब अच्छे लोगों को जोड़कर एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाया जाए जो भारत की ताकत बने और भारत की पूरी ताकत नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए समाहित हो, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम हो। नॉर्थ ईस्ट भारत का पूरक बने, भारत नॉर्थ ईस्ट का पूरक बने, हर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। ये भावना को नीचे तक अगर डालना है तो बहुत जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस से मुक्त बने। और आज मुझे बहुत आनंद है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के आठों आठ राज्य आज नेहरा के तत्वाधान में आ गए हैं और हम कांग्रेस मुक्त नॉर्थ ईस्ट बना पाए।